संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित की मौत। जी हां, यह सारा मामला गांव जनोरा थाना डौकी जनपद आगरा का है। डौकी पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों का आरोप दहेज की खातिर एवं तीसरी पुत्री को जन्म देने के कारण मारा गया। नीतू को विगत दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी नीतू की मौत। परिजनों को बिना सूचना दिए ससुरालजनों ने किया था विवाहित नीतू का अंतिम दाह संस्कार। 4 साल पहले नीतू की शादी जनोरा निवासी अवधेज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल जनों ने दहेज के लिए करते थे नीतू को प्रताड़ित। मृतका के परिजनों ने दी थाने में तहरीर। नाम है आपका? निवासी कहाँ के हैं? ये क्या मामला हुआ है जो आप थाना डॉकी में आए? मेरी बच्ची खत्म हो गई है। साजिश के तहत आपकी बच्ची कहाँ ससुराल थी? जनोरा गाँव में बमरौली भंडारा के पास। जी, क्या घटना घटित हुई आपकी बच्ची के साथ? डिलीवरी के दौरान खत्म हुआ। आपकी बच्ची के हस्बैंड का नाम पता है आपको? अवधेश शर्मा। पूरे परिवार का नाम बताओ, कौन कौन थे? शर्मा सनोप विनोद शर्मा। विनोद शर्मा रहने वाले। किन लोगों ने साजिश के तहत मरवाया आपकी? ससुर और पति। उनके खिलाफ आपने थाने में तहरीर दे दी? दे रहा हूँ साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। 4 दिन हो गई इसी जगह पर मेरे को बच्ची, मैंने लाश ली है, ये लाश गुमराह करके मुझसे ले गए हैं। लाश तक में मुझे पहुँचने ही नहीं दिया दाह संस्कार में, चुपचाप लाश जलाई गई है। अंतिम संस्कार में आप पहुँच नहीं पाए? बुलाया गया। उन्होंने आपको अवगत नहीं कराया? नहीं कराया। मेरे से बोल दिया था सुबह इसका पोस्टमार्टम होगा, इन्होंने रात में पोस्टमार्टम करा के लाश को जला दिया है। घटना कब की है ये? घटना 10 तारीख की है साहब।